जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में दिल से बहुत 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 स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माँ लक्ष्मी की कृपा के कौन कौन से संकेत हैं कि हमारे पास एक बड़ा धन का आगमन हो रहा है, कि हमारी जो आर्थिक रूप खराब है वो हमेशा के लिए अब ठीक होने वाली है, या यूँ कहूँ कि हमारे पास धन नहीं आ रहा है तो हमें वो कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हो पाए। तो इन तीनों चारों विषयों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सकारात्मक बातें होगी और बहुत महत्वपूर्ण बातें होगी। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इस विषय को लेकर किन चीज़ों को जानने की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझेंगे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। 3 मिनट का वीडियो है, बहुत छोटा वीडियो, आपके लिए बहुत सकारात्मक। उससे पहले एक निवेदन है, प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, इसलिए लाइक करें क्योंकि आप मुझे जितना सपोर्ट करोगे मुझे और नए नए टॉपिक्स पर बात करने में बहुत मज़ा आए। लाइक करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें और अंत में पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट जरूर छोड़ें कि कैसा आपको वीडियो लगा। एक बात और, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं स्क्रीन पर नंबर चल रहे, सीधे आप मुझसे बात कर सकते हैं, पेड हैं, शुल्क लागू है। पहली और मुख्य बात है कि जो लोग माँ लक्ष्मी की कृपा के संकेत के ऊपर एक बात होती है कि कभी भी जीवन में जब तक आप महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तब तक माँ लक्ष्मी की कृपा मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। पूरी जानकारी को समझेगा कौन सी टेक्निकल चीज़ें हैं। लक्ष्मी माँ उसी जगह पर उनका आगमन होता है जहाँ पर दरिद्रता का अभाव होता है। आपका विचार शुद्ध हो, आपका आचरण शुद्ध हो, उसके साथ साथ आप नेचुरली अंदर से पूरी मानवता के साथ महिलाओं का सम्मान करते हो। इसमें मैं महिलाओं की भी बात कर रहा हूँ, पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें पुरुष महिलाओं का सम्मान करने मात्र से ही शुक्र जो है आपका मजबूत होता है। और जैसे ही शुक्र मजबूत हुआ कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होना शुरू हो गई, धन धान्य सौभाग्य सब हो गए। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ और है कि लक्ष्मी की कृपा तो हो जाती, कई सारे लोगों के पास लक्ष्मी होती है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता, उन्हें भोगना नहीं आता है, तो वहाँ भी ये चीज़ होती है। तो पहली मुख्य बात, संकेत को हमेशा याद रखना। दूसरी बात होती है कि कभी भी कोई शॉर्ट टर्म से या कोई अनैतिक तरीके से कमाया गया धन किसी को क्षणिक सुख जरूर दे सकता है लेकिन वो परमानेंटली सुख नहीं दे देता है, साथ में कई सारे दुख भी लेके आता है। तो मेहनत से कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, चाहे कम कमाएं लेकिन मेहनत से कमाएं। तीसरा मंत्र है कि पैसे और सेविंग्स जितना आप करेंगे उतना आपको पैसे दिखेंगे। ऐसे कभी भी जो चीज़ें हो रही है ये नहीं हो पाती है। तो हो सके उतना पैसे को सेविंग करें, एक अकाउंट खोल दे, डंप अकाउंट जिसका ना ATM हो ना आपके पास चेक हो, बस उस खाते में पैसे डाल दिए और भूल जाइएगा। ये सिंपल सा पैसे सेविंग का है। चौथी बात, कोई भी नशा ना करें, नशा जीवन का नाश है और नशा करने से धन और लक्ष्मी का भी हानि है। और पाँचवीं बात, जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है, हमेशा ईश्वर का जप करें, वो बहुत बड़ा दयालु है, वो सागर है। तो अच्छा लगा, लाइक करें। जय श्री महाकाल।